यंग फ्रेंड्स, आप लोग के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपका भी एग्जाम 2025 में और ट्वेल्थ में पढ़ रहा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, अब आपको देखते देखते आज हो गया 1 अक्टूबर, आज हो गया 1 अक्टूबर और आपका एग्जाम जो एकदम डिक्लेयर हो गया है कि कौन दिन कौन डेट का कौन एग्जाम है, किसका मैथ का, हम आपको उस पर भी वीडियो बना देंगे। और आज 1 अक्टूबर है और आपको 1 फरवरी तक, समझ लीजिए 1 फरवरी से आपका एग्जाम है। आज 1 अक्टूबर से 1 फरवरी तक एग्जाम है, तो आप अक्टूबर से आप कैसे तैयारी करेंगे ताकि आपका एकदम बिल्कुल, आपको जिस प्रकार से बता रहा है कुछ ना भारी चीज़ नहीं है कि 400 प्लस कैसे ला सकते हैं। अब तक कुछ नहीं पढ़े तब मेहनत कीजिएगा तब, और अगर आप पढ़ रहे हैं पहले से तो उससे और भी अच्छा स्कोर ला सकते हैं, 450 प्लस ला सकते हैं जो भी पिछाड़ी से पढ़ रहे हैं। तो कैसे करना होगा, उसको क्या करना होगा, आप पहले समझ लीजिए। और सबसे पहले बता दें कि अगर आप ट्वेल्थ में अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, बिल्कुल 200-250 फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, सब चीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलता है, आप जाकर वहाँ से ले लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से हम लोग का प्लानिंग होना चाहिए अगले 4-5 मंथ के लिए कि कैसे हम क्या काम करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका कोचिंग होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो कोचिंग का टाइम हटा दीजिए, कोचिंग का टाइम हटा दीजिए। अब आपके पास कम से कम सेल्फ स्टडी, अब लास्ट समय है, कम से कम सेल्फ स्टडी, कम से कम बोल रहे हैं 7 से 8 आवर आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। लास्ट समय में आपको 7 से 8 घंटा बिल्कुल आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो 7-8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, कोचिंग को छोड़कर 7-8 घंटा इसलिए कर रहे कि आपके 5 विषय भी है तो आपको मैथ थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगेगा। आपको बताना है, बता रहे अभी क्या करना है आपको, ये हो गया। अब जो नए भाई होंगे उसको मालूम नहीं होगा भैया बुक कौन से लेंगे हम, तो बुक क्या लेंगे, और सबसे पहले तो देख लीजिए, और जो बुक कैसे लेंगे तो समझ लीजिए। आपको बुक अगर लेना है तो 1-2 बुक हम जो बता रहे हैं कम से कम मूल लीजिए, 1 ब्रिलियन का जो इसे दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है ब्रिलियन का, ये ब्रिलियन का क्वेश्चन बैंक है मेरे भाई, ये 1 ब्रिलियन का आपको क्या लेना है, क्यूबिक अर्थ क्वेश्चन बैंक लेना है, और एक आपको एक ब्रिलियन का क्वेश्चन बैंक लेना है, और एक आपको टारगेट का ऑब्जेक्टिव लेना है, याद रखिएगा टारगेट का कौन सी, ऑब्जेक्टिव का बुक लेना है, टारगेट का स्पेशल 130 का आता है, दोनों 130 और 180 का आता है, दोनों मिला के देख लीजिएगा तो 310 रुपया हो गया, 310 में आपका दोनों बुक आ जाएगा, ये आपको लेना पड़ेगा क्योंकि अभी सोच रहे अच्छा रिजल्ट लाना तो ये लेना ही पड़ेगा। अब समझिए, इसके अलावा क्या करना है आपको सुनिए, आज से डेली ये किताब ले लीजिएगा, आज से डेली समझ लीजिए, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कुछ भी हो, इंग्लिश हो, कम से कम सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव की तो बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, कम से कम डेली आज से पांच क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सबका याद करना है, सबका हर एक कंठस्ट याद करना है, मैथ करने का याद नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब है कि सॉल्व करना है, पांच क्वेश्चन इंग्लिश का, हिंदी का, पांच क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली आपको सबका याद करना है, पांच क्वेश्चन डेली। अगर आप पांच क्वेश्चन याद करेंगे तो 5 × 5 × 20 कितना हुआ, 100, पूरा फिजिक्स में हमने मात्र 100 क्वेश्चन दिया है, वही आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा यही क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको याद करना है। अगर मान लीजिए आज से हम जो क्वेश्चन दिए 100 उसमें से डेली 5 क्वेश्चन याद करते हैं तो 20 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। कहने का अर्थ, अगर इस प्रकार से आप करते जाते हैं तो मात्र 4 बारी आप रिवीजन कर लेंगे, कितना टाइम्स, 4 टाइम्स आप रिवीजन कर लेंगे। तो आपको देखिए, अच्छा नंबर लाना है तो रिवीजन बार बार होना चाहिए ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, आपका छूटना नहीं चाहिए, तो ये है। अच्छा, इसके अलावा डेली 5 क्वेश्चन याद करके चलिए, 20 दिन में आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए पर्सनली सुनिए, हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए मेरा शॉर्ट नोट्स भी, ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी हम शॉर्ट नोट, टेलीग्राम चैनल का नाम है ए टू जेड साइंस सेंटर न्यू, यहाँ पर लिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं ए टू जेड साइंस सेंटर लिखिएगा, और इसके बगल में कोस्ट में यहाँ पर न्यू लिखा होगा, नया वाला चैनल है, उस पर लगभग अब 645-47 अब क्या है उतना हमको नहीं अभी याद है, लेकिन इतना ही के आसपास उसका ज्वाइन आदमी होगा, ठीक ना, सब्सक्राइबर मेंबर होगा, ये होगा, ठीक ना, उसको टेलीग्राम का ज्वाइन कीजिएगा और चैनल पर नए तो जुड़ जाइए। और देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता तो यही सबसे मेन मुद्दा है कि आपको शॉर्ट नोट डेली नहीं पढ़ते हैं। आज से क्या करना है आपको, सोने के पहले, यानी कहने का अर्थ आपको सोने से पहले, स्लीप से पहले, और एकदम स्लीपिंग के बाद, बिफोर स्लीपिंग एंड आफ्टर स्लीपिंग, कहने का अर्थ है कि सोने के एकदम, समझ लीजिए कि सोने के पहले आपको क्या करना है, आपको डेली शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, 1 टाइम
डेली मात्र 15-20 मिनट, और जागने के बाद, बिल्कुल जागने के बाद भी आपको डेली इस शॉर्ट नोट पढ़ना है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपका स्कोर आराम से बेहतर जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं तो आपका स्कोर बेहतर नहीं जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आपके हाथ में है ही नहीं। मास्टर कितना नंबर काटता है, चेक करने वाला एग्जामिनर उसका कितना नंबर काटता है ना काटता है, उसे आप कुछ नहीं जानते। तो प्लीज़ आपको ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम बनाना पड़ेगा, बढ़िया से बनाना पड़ेगा। देखिए हम जो बताए थे ना, हम अपना देखिए पूरा, मैं हमारा एक मैथ में 49 को ऑब्जेक्टिव था, 50 को में से, और जो बहुत सारे वैल्यू पूछ रहे थे मैथ में था। और देखिए इंग्लिश में मेरा एक नंबर गलत हो गया था, 49 में भी था, हिंदी में भी 49 था, एक व्याकरण गलत हुआ था, और उसके बाद ये फिजिक्स है, फिजिक्स में मेरा 32 था, 35 सॉरी 33 था, 35 में से, और केमिस्ट्री में 35 था। तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव का था, मात्र एक एक ये हुआ था, मिस्टेक के चलते हुआ था। तो ये ऐसे गलती, आपको ऑब्जेक्टिव जब भी स्कोर करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट शॉर्ट नोट्स है। आज से आप कंठस्थ कर लीजिए भैया कि हमको डेली पढ़ना है शॉर्ट नोट्स सुबह, और यानी कि जागने के बाद, और सोने से पहले रात को एकदम पढ़ के सोना है, ठीक ना। अब चलिए ऑब्जेक्टिव का टिप्स हो गया मेरे भाई। लॉन्ग का टिप्स कैसे होगा, तो लॉन्ग का जो हम 15-15, 20-20 क्वेश्चन दे रहे हैं, प्लीज इसको रखकर आप जिस प्रकार से याद कीजिए, इसको एक अलग कॉपी बनाकर लिखिए। अगर आप एक अलग कॉपी बनाकर लॉन्ग नहीं लिखते हैं तो आपको कभी आज समझ ये बात अभी कभी नहीं समझ, आप सब कभी सोचेगा कि हमारा लॉन्ग कमांड होगा, कभी नहीं, क्योंकि लॉन्ग कमांड करने के लिए आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा, तभी लॉन्ग कमांड होगा। उतना छोटा छोटा डेरिवेशन नहीं है कि 2 मिनट में बना दीजिएगा, बहुत दो दो पेज का रहता है। तो प्लीज आप एक लॉन्ग का अलग क्वेश्चन बनाइए, ताकि लॉन्ग का अलग कॉपी बना लेंगे तो आपको स्पेशल फोकस रहेगा कि हमारा लॉन्ग का ये कॉपी है, हमारा लॉन्ग भी क्वेश्चन में याद करना है, फलनामा तीस चलते आपको याद करना है। और चलिए तो जिस प्रकार से बता रहे हैं, और आपको नोट्स लेना है इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का, आपको सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप केवल चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नोट्स, ठीक ना। तो आप जुड़ जाइए और आराम से मेहनत कीजिए, और जिस प्रकार भैया मैंने अच्छा नंबर लाया उसी प्रकार से आपको भी सोचते हैं कि अच्छा नंबर लाना है, और आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना। तो जो साइंस वाले भाई लोग इंग्लिश से हिंदी मीडियम में सब कुछ ले लीजिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 4 महीना मात्र आपके पास है। इन 4-5 महीने में अगर जिस प्रकार से बताया है, जिस प्रकार से आपको बता रहा है, उस प्रकार से कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। इसके अलावा जो भाई लोग अब तक करते हैं, हम कहीं कोचिंग नहीं करते, सुन लीजिए, जो कहते हैं मैं कहीं कोचिंग नहीं करता, तो सुन लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट बना है। ग्रामर का मैराथन क्लास चल रहा है, वो भी उसका प्ले लिस्ट है। बुक का मैराथन क्लास आ रहा है, उसका भी है। उसके बाद केमिस्ट्री का मैराथन क्लास चल रहा है, प्लस में फिजिक्स का पूरा मैराथन क्लास, सब फ्री में पढ़ा दिए हैं। अब जो भाई लोग पढ़े होंगे उसको ज़्यादा सहूलियत होगा कि भैया एक तरह से रिविजन करा रहे हैं, और जो भाई लोग न पढ़े तो जाकर लाइन बाय लाइन प्लीज नोट्स बनाइए। ग्रामर का ऐसा ट्रिक बताएं, नोट्स बनाइए और वह बोर्ड में अप्लाई कीजिए। और ग्रामर का भी हम 540 सेलेक्टेड क्वेश्चन दे चुके हैं, टाइप बाय टाइप सब जाकर वहाँ पर बना लीजिए। तो जितना दिए है, हमारा बुक भी आ गया, ऑफलाइन बुक भी आ गया है, और अगर आप सीतामढ़ी के अगल बगल से तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में आकर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो सीतामढ़ी हमारा एड्रेस हुआ, और आप आराम से आके पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये सारा कीजिए, और आपको जिस प्रकार बताया कि 7-8 घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कीजिए, अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, और अच्छा से अच्छा लाना है तो अच्छा से अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही कम समय है। अब अक्टूबर से पढ़ लीजिए। देखिए अब आ रहा है दशहरा, तो मान लीजिए दशहरा में आपको क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा, फुल टाइम छुट्टी रहेगा दशहरा में आपको। देखिए हम बता रहे थे, कुछ भाई लोग कहते भैया आप जिस प्रकार किए थे बताते रहिएगा, हम वही बता रहे हैं। देखिए दशहरा में अगर आप कहीं पर रहते हो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक चीज़ समझ लेना है कि दशहरा में हमको कम से कम पूरा, अगर हमारा फिजिक्स खत्म हो गया है ना, तो पूरा हम फिजिक्स को एक बार पूरा 15 के 15 चैप्टर हम खत्म कर दे, ये आपको सोचना है। दशहरा छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं, कोचिंग छुट्टी है तो और यार 4 घंटा कोचिंग छुट्टी मिल गया, तो कम से कम इतना लेके चलना कि फिजिक्स हमको खत्म कर देना है। जितना पीवाई की मैथ है ना, मैथ दशहरा में पूरा मैथ बनाए थे, क्योंकि मैथ में पूरा भरपूर छुट्टी मिल रहा था हमको, हम सोचे थे ना इस 15 दिन में पूरा मैथ खत्म कर देते, 10-12 दिन में, तो पूरा मैथ बनाना है, पूरा पीवाई की जितना मैथ खत्म कर दीजिए। दशहरा के आप इस सब छुट्टी का अपॉर्चुनिटी उठाइए, मौका है आपके लिए भी, इस मौका का फायदा उठाइए, तभी आपके लिए होगा, ठीक ना। तो चलिए जिस प्रकार से बताए हैं उस प्रकार से कीजिए, और किताब ले लीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसा से अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए और जो भाई लोग एकदम पढ़ लिए, सब चीज तैयारी हो गया है, उसको हम बोले थे उस दिन के लिए गोल्डन का बुक लेने के लिए, गोल्डन का अति ईयर वाइज रहेगा। ईयर वाइज इसलिए बोले थे, अगर आपका सब चीज तैयारी हो गया है तो आपको यह जज करना है कि हमसे बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि नहीं, तो आप ले लीजिए ईयर वाइज, और ईयर वाइज मान लीजिए एक दिन 2022 का पूरा फिजिक्स उठाइए और देखिए बन रहा है कि नहीं, 35 को 17 को बन रहा है कि नहीं, 20 को 10 को बन रहा है कि नहीं, 6 को 5 को बन रहा है कि नहीं, तो उसके लिए बोले थे, नहीं तो सबके लिए नहीं बोले थे, ठीक ना। तो चलिए मेहनत कीजिए, अच्छा से रिजल्ट लाइए, और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर मैसेज कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।